गोरखपुर जिले में 23 नवंबर से शुरू हुए सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान ACF कैंपेन के प्रचार वाहनों को कार्यवाहक CMO और ACMO RCH डॉक्टर AK चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस संबंध में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने बताया कि जिले में नए TB मरीजों को खोजने के लिए चलाया जा रहा सक्रिय क्षय रोगी अभियान, इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो समस्त ब्लॉकों और अर्बन PHC CHC में जाकर TB मरीजों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए TB मरीजों की CV0 जांच कर पता लगाया जाता है कि वो DRTV के मरीज हैं या DSTV के, इसी आधार पर उनकी दवा शुरू की जाती है। ज़रूरतमंद TB मरीजों को निक्षय मित्रों को गोद दिलवाया जाता है ताकि उन्हें पोषण और मानसिक सबल मिल सके और वह इस बीमारी से मुक्त हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने कहा, देखिए आज जो है हरी झंडी दिखा करके वाहनों को यहां से रवाना किया गया है। एक्टिव केस फाइंडिंग ACF प्रोग्राम चल रही है जो 23 नवम्बर से लेकर के 5 दिसंबर तक लगातार चलेगी। आज वाहनों के द्वारा उसमें सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, TB के विषय में बताने के लिए कि अगर किसी को खांसी है, बुखार है, भूख नहीं लग रही है, वजन घट रही है, तो वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आएं, कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र पर आ करके अपनी बलगम का जांच कराएं। अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो उसका जो इलाज करने के लिए हम लोग दवा भी देते हैं, जाँच भी करते हैं, दवा भी देते हैं और उनकी देखभाल भी की जाती है। साथ साथ जो है सरकार के मंशा के अनुसार सरकार की तरफ से 500 रुपये का पोषण भत्ता के रूप में जब तक इलाज चलता है तब तक उनको मिलता है। इसके प्रचार प्रसार करते हैं। जागरूकता रैली कहाँ कहाँ जाएगी? ये जो है पूरे अपना अर्बन में पूरे सभी घरों को वो विजिट करके और घूमेंगे और सब लोगों को बताएंगे।